students, welcome back to our YouTube channel. This is Aditi. Student, I am here with today's article of 30th September related to Times Park Scholarship Program. Student, today's article is based on an incident which took place in Mumbai on Friday morning. Student, before starting this article, I would like to extend my condolences with those who have lost their lives and got injured due to this stampede in Mumbai. Student, let's begin with its headline, Elphinstone Station Tragedy. Let's stop being tolerant of suboptimal lives in broken city system. Student, ये जो article है, ये जो Friday morning को एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है मुंबई के railway station में, जो कि परेल और Elphinstone Station के बीच bridge पर हुआ है. भगदड़ के कारण 22 लोगों की मौत हो गई है और 35 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं. तो स्टूडेंट, ये जो हादसा है उसी के ऊपर ये आर्टिकल है. स्टार्ट करते हैं इसकी पहली लाइन से. द डेथ ऑफ मोर देन 20 फेलो सिटीजन इन अ स्टैम्पेड एट Elphinstone स्टेशन इन मुंबई इज हॉरिफाइंग. हाउ कैन अ ट्रेजिडी लाइक दिस हैपन इन 21st सेंचुरी इन आवर मोस्ट वाइब्रेंट सिटी एंड आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. वाई डू वी सिंपली कम टू टर्म्स विद ट्रेजिडी आफ्टर ट्रेजिडी इन आवर सिटीज. स्टूडेंट, श्रीकांत विश्वनाथ इस आर्टिकल के एडिटर हैं, तो वो इस आर्टिकल में यही बताना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे हादसे मुंबई जैसे शहरों में, बिकॉज जो मुंबई है मोस्ट डेवलप्ड सिटी मानी जाती है हमारी इंडिया की, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि 70 साल आज़ाद होने के बावजूद भी 21st सेंचुरी में ऐसी वाइब्रेंट सिटी मीन्स मुंबई जैसी सिटी में अगर ऐसे हादसे होंगे, ऐसी ट्रेजिडी होगी, तो हमारी जो सिटी सिस्टम है मीन जो हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उस पर एक ये बिग क्वेश्चन है. ऐसे हादसों में जिसमें ये जो रिसेंट हादसा हुआ है, इसमें मोर देन 20 लोगों की जान गई है इन अ स्टैम्पेड भगदड़ में. तो स्टूडेंट, येस्टरडे की जो ट्रेजिडी थी, येस्टरडेज ट्रेजिडी इज अ ग्रिम रिमाइंडर दैट आवर सिटीज हाउस एंड क्लेस ऑफ कम्फर्ट फॉर द फ्यू बट आर बाई नो मीन्स रिडेम्पटिव फॉर द मैनी. मीन्स ऐसे मुंबई जैसे शहरों में कुछ लोग ही सुरक्षित हैं और बाकी जो मेजॉरिटी है, जो आम आदमी है, वो सुरक्षित नहीं है. अगर ऐसे हादसे होते हैं, इन हादसों के बाद तो यही पता चलता है कि ये ऐसी जो सिटीज़ हैं, मुंबई जैसी जो सिटीज़ हैं, वो दे आर कम्फर्टेबल फॉर द फ्यू बट दे आर नॉट कम्फर्टेबल फॉर द मैनी. यहाँ पर रिडेम्प्टिव वर्ड यूज़ किया गया है. स्टूडेंट, रिडेम्प्टिंग का मतलब होता है एक्टिंग टू सेव समवन फ्रॉम एरर और इविल. मीन्स यहाँ पे हम कुछ लोगों को तो सेव कर सकते हैं, कुछ लोगों को लिए कंफर्टेबल है ये सिटीज, बट जो फॉर द मैनीज हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं. वी हैव सिंपली फेल्ड इन दीज 70 ईयर्स टू रिकोगनाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीज एंड द नीड टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग देयर फिजिकल एंड सिविक कैरेक्टर. मीन्स इन सत्तर सालों में हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं अपनी सिटीज़ के सिग्निफिकेंस को जानने में, बिकॉज हम यहाँ की बिल्डिंग्स पर, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यहाँ के फिजिकल और सिविक कैरेक्टर पर हम जितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस लेवल तक हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हम उसको कहीं ना कहीं इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं. सो इंस्टेड वी कंटिन्यू टू एनकरेज द फॉल्स डाइकोटमी ऑफ विलेज वर्सेज सिटी इवन एज हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीजन्स मार्च टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स. स्टूडेंट्स, जॉब की सर्च में कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने गाँवों को छोड़कर शहरों में जाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि उनको वो शहरों में ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बिकॉज उनको उनको जॉब सिक्योरिटी है, उनको जॉब मिलेगी, और मे बी वो ऐसा सोचते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है. तो वो क्या करते हैं, वो दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स. बट ऐसी ट्रेजिडी के बाद ये एक कहीं ना कहीं ऐसे फॉल्स डाइकोटोमी को इनक्रेज करना है. मीन्स यहाँ पे डाइकोटोमी वर्ड यूज़ किया गया है सेपरेशन. मीन्स यहाँ पे विलेज और सिटीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर जो हम अलग करते हैं कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होता है, इस बेसिस पर हम इनका सेपरेशन करते हैं. तो हम इस चीज़ को एनकरेज करते हैं, बजाय कि हम जो अपनी बिल्डिंग्स पर, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करें. तो इनकी वजह से ही ऐसे हादसे होते हैं. इन द प्रोसेस वी हैव मैनेज टू एकम्प्लिश पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस एंड सिविक कैरेक्टर इन बोथ सिटीज एंड विलेज.
इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ना ही हम अपने शहरों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, ना ही उनको, ना ही हम वहाँ पे रहने वाले लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बिकॉज अगर ऐसे हादसे हो रहे हैं तो इतनी जाने जा रही हैं, इतने सारे लोग इंजर्ड हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इस तरीके का हुआ कि ना तो शहरों में लोग सेफ हैं, ना ही गाँव में सेफ हैं। तो एक तरह का ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, पुअर गवर्नेंस की वजह से है और पुअर सिविक कैरेक्टर की वजह से है। वी नीड टू पुट अ फुल स्टॉप टू दीज ट्रेजेडीज। वी नीड टू स्टॉप बीइंग टॉलरेंट ऑफ सब ऑप्टिमल लाइफ इन सिटीज एंड डिमांड नॉट जस्ट ऑफ गवर्नमेंट बट ऑफ आवर सेल्फ कलेक्टिवली अ बेटर लाइफ इन सिटीज। मीन्स हमें इन ट्रेजेडीज को स्टॉप करना होगा, रोकना होगा और हमें ये सब चीज़ों को टॉलरेट करना बंद करना होगा कि हमारे लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारी लाइफ के बेटरमेंट के लिए, हमारे शहरों के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। हमें खुद से भी, मीन्स हमें कलेक्टिवली काम करना होगा फॉर अ बेटर लाइफ इन आवर सिटीज। दिस विल बिगिन ओनली विद द रिकॉग्नाइजेशन दैट आवर सिटीज टूडेज आर एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है स्टूडेंट, मीन्स अनप्लेजेंट, हेटफुल या फिर आप खराब बोल सकते हैं। मीन्स हमें इस चीज़ को, इस चीज़ की शुरुआत करने से पहले, ये इसकी शुरुआत तभी होगी जब हमें यह मानना होगा कि जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हमारे शहरों की आज सिचुएशन है, वो पूरी तरह से खराब है और देयर इनसेंसिटिविटी टू सिटीजन स्पेशली पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड इन देयर वायलेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन देयर फेलियर टू बी इकोनॉमिकली मोर प्रोडक्टिव एंड अबव ऑल इन नॉट वीविंग अ फैब्रिक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन्स एंड बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। मीन्स हमें ये एक्सेप्ट करना होगा बिफोर स्टार्टिंग फॉर अ बेटर लाइफ इन आर सिटीज़। हमें ये मानना होगा कि जो हमारी सिटीज़ की आज जो कंडीशन है वो काफ़ी एबोमिनेबल है। मीन्स काफ़ी बैड सिचुएशन है उनकी और दे आर इनसेंसिटिव टू सिटीजन्स। मीन्स यहाँ के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, यहाँ पर जो पुअर लोग हैं, उनको ये पूरी तरह से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए वो ये नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं और यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी वायलेशन होता है और ये जो सिटीज़ हैं दे आर नॉट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव और अबव ऑल, इन सबसे अबव, दे आर नॉट वीविंग फैब्रिक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन्स। मीन्स यहाँ पे सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच कोई ट्रस्ट नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों को, पहले ये सारे फैक्टर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग डूइंग कलेक्टिवली। वी आर ऑलरेडी ऑन बोरोड टाइम्स एंड नीड टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली मोर एफर्ट, टाइम एंड मनी इन बिल्डिंग बोथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक कॉन्शियसनेस इन आवर सिटीज। मीन्स वी आर ऑलरेडी ऑन बोरोड टाइम। बोरोड टाइम का मतलब होता है स्टूडेंट, वी आर ऑलरेडी ऑन शॉर्ट टाइम। हम पहले से ही हम लिमिटेड पीरियड, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। हमारी, हमें जो ज़रूरत है इस कम समय में, वो क्या ज़रूरत है? वो ज़रूरत है हमें सिग्निफिकेंटली ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। आवर सिटीज़ हाउस ओवर 400 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 100 मिलियन पीपल मोर देन द US। बाई 2050 वी विल बी 100 मिलियन। मीन्स हमारे शहरों में 400 मिलियन लोग रहते हैं जो कि 100 मिलियन ज़्यादा है US के कंपैरिजन में, और 2050 तक ये बढ़कर 800 मिलियन हो जाएगा। वर्चुअली एक तरह का एक कॉन्टिनेंट हो जाएगा। वी नीड टू अर्जेंटली इनिशिएट स्टेप्स दैट आर सिस्टमैटिक, डेलिब्रेट एंड कलेक्टिव और आर अर्बन फ्यूचर विल ओनली बी वर्स। मीन्स हमें सिस्टमैटिकली काम करना होगा, इंटेंशनली काम करना होगा, कलेक्टिवली काम करना होगा, अदरवाइज जो हमारा अर्बन फ्यूचर होगा वो बहुत ही बेकार होगा, बहुत ही खराब होगा। टू स्टेट द ऑब्वियस एंड पॉसिबली द मोस्ट प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ येस्टरडेज ट्रेजेडी। मीन्स अगर हम बात करें प्रॉक्सिमेट कॉज की, प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है नियरेस्ट। जो जो येस्टरडे ट्रेजेडी हुई है मुंबई में, इसका जो मोस्ट प्रॉक्सिमेट कॉज रहा है, वी नीड टू सेट अ बेस लाइन फॉर मिनिमम क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। हमें एक मिनिमम बेस लाइन सेट करना पड़ेगा, हमें एक बेस लाइन सेट करनी पड़ेगी मिनिमम क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की और हमारी सर्विसेज की। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या सर्विसेज होनी चाहिए हमारे शहरों में, और हमें उस बेस लाइन को एक टाइम बाउंड मैनर में, मीन्स हमें एक
स्पेसिफिक टाइम में हमें उसे अचीव करना होगा. वी हैव फेल्ड कंटिन्यूसली ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स ऑन दिस फ्रंट एंड वी आर पेइंग डियरली फॉर इट. मीन्स पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि हम इस चीज़ को अचीव करने में फेल रहे हैं. मीन्स हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए हमें बहुत पे करना पड़ रहा है. मीन्स इसके लिए हमें ऐसी ट्रेजिडीज से सामना करना पड़ रहा है. अर्लियर विद जस्ट पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड नाउ विद इट्स लाइफ इट्सेल्फ. मीन्स पहले क्या होता था, जब पूरी तरह से शहर हमारे डेवलप नहीं थे तो इनकी पुअर क्वालिटी हुआ करती थी सिटीज़ की. बट अब क्या हो रहा है, हम अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. सिटीज़ तो डेवलप हो गई हैं लेकिन कहने को ही वो डेवलप हुई हैं और हम अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. द हाउ टू ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर सिटीज़ डज नॉट सिंपली लाई इन अ मोर एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, लेसर करप्शन और मोर सिटीजन एक्टिविज्म. मीन्स हाउ टू मीन्स कैसे करें. ये जो क्वेश्चन है, ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात करते हैं अपने शहरों में, तो ये पूरी तरह से हमारी गवर्नमेंट पर, हमारी लेस करप्टेड गवर्नमेंट पर ही डिपेंड नहीं करता है. इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल है. मीन्स सिटीजन की एक्टिविज्म पे भी ये डिपेंड करता है. वी नीड टू फिक्स आवर सिटी सिस्टम. हमें अपने सिटी सिस्टम को फिक्स करना होगा. द करंट स्टेटस क्वो ऑफ बैंडेड गवर्नेंस एंड पैचवर्क प्रोजेक्ट मस्ट बी ब्रोकन. मीन स्टेटस क्वो का मतलब होता है जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है. मीन्स जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मीन्स हमारे यहाँ की जो सरकार है वो किस टाइप की है. बैंडेड वर्ड यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है. मीन्स अगर कुछ हादसे हो जाते हैं तब वो उस चीज़ पे अलर्ट होती है, उस चीज़ को लेके वो सावधान होते हैं. मीन्स उस चीज़ पे कोई एक्शन लिए जाते हैं. मीन उसको पहले से ही प्रिवेंट नहीं किया जाता है. बैंडेड का मतलब क्या होता है कि जब आपको चोट लगती है तो आप उस पर बैंडेड करते हैं. मीन्स वहाँ पे पैचवर्क किया जाता है. जो ऑलरेडी पैचवर्क किया होता है, जब कुछ चीज़ आपकी फट जाती है तो आप उसको पैचेस देते हैं. मीन आप उसको सिलते हैं. तो ये सब चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा. हमें बैंडेड टाइप गवर्नमेंट को, पैचवर्क्स को, हमें इन प्रोजेक्ट को रोकना होगा. फॉर डिकेड्स वी हैव फुलिशली सॉट बेटर आउटकम्स फ्रॉम अ ब्रोकन सिस्टम. मीन्स सालों से चलता आ रहा है, हम पागलों की तरह ऐसा सोचते आ रहे हैं कि हमें बेटर आउटकम मिलेगा इस ब्रोकन सिस्टम से. वी नीड टू नाउ आस्क फॉर बेटर सिटी सिस्टम इंस्टेड. बट इसके बजाय हमें क्या करना होगा, हमें यह जानना होगा कि बेटर सिटी सिस्टम को कैसे अचीव किया जाए. वी नीड टू आस्क, हमें ऐसा जानना होगा फॉर अ रॉबर्ट स्पेशल प्लान फॉर द सिटी दैट इज़ एनफोर्स. मीन्स हमें एक यहाँ पर रॉबस्ट वर्ड यूज़ किया गया स्टूडेंट. रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी. हमें एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी प्लान बनाना पड़ेगा सिटीज़ के लिए, शहरों के लिए, जो कि हमारे लिए बेटर लाइफ को अचीव करने में हेल्पफुल हो. वी नीड टू डिमांड मॉडर्न एंड साइंटिफिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड फॉर रोड्स, ब्रिजेस एंड फुट ओवर ब्रिजेस. बिकॉज स्टूडेंट ये जो हादसा हुआ है वो रेलवे स्टेशन के फुटवेयर ब्रिज पर ही हुआ है, उस पर भगदड़ होने की वजह से ही हुआ है. तो हमें क्या करना होगा, हमें साइंटिफिक स्टैंडर्ड सेट करने होंगे. हमें मॉडर्न डिज़ाइंस के लिए हमें डिमांड करना होगा. हमें रोड्स, ब्रिजेस और इन सब के लिए डिमांड करना होगा. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें डिमांड करना होगा ताकि हमें बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिले. और हमें क्या करना होगा, हमें कॉम्पिटेंट म्यूनसिपल स्टाफ की ज़रूरत है हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ में. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है स्टूडेंट वेल एफिशिएंट और वेल ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है. बिकॉज अगर वेल एफिशिएंट और वेल ट्रेंड स्टाफ अगर हमारी म्यूनसिपैलिटी में काम नहीं करेंगे तो ऐसे हादसे आगे भी हमें देखने को मिलेंगे. वी मस्ट फोर्स द हैंड ऑफ द स्टेट. मीन्स यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट के साथ साथ खुद से भी काम करना होगा. वी हैव टू गिव अस अ फुली एम्पावर्ड मेयर. मीन्स एम्पावर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट जो पूरी तरह से ऑथराइज्ड हो. मीन्स यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के लिए, किसी सिटी या फिर किसी शहर के लिए हमें एक ऑथराइज्ड, हमें गवर्नमेंट से डिमांड करनी होगी कि वो एक मेयर को, ऑथराइज्ड मेयर को अपॉइंट करे. और वी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर कॉस्ट फॉर प्लेटफॉर्म्स और पार्टिसिपेशन सच एस एरिया सभा. स्टूडेंट हमें एरिया सभा के लिए भी बोलना चाहिए. बिकॉज एरिया सभा क्या होते हैं, एरिया सभा क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए सभा बनाई जाती है.
तो हमें इस चीज़ की भी डिमांड करनी चाहिए। द सिटी सिस्टम वे विल क्रिएट द पाथवेज टू परस्यू बेटर आउटकम्स। मीन अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमें एक पाथवे मिलेगा, एक रूट मिलेगा फॉर बेटर आउटकम। येट आर सिटीज एंड देयर कैरेक्टर्स आर नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर एज मच अबाउट ऑल ऑफ अस द सिटीजन्स। मीन्स पूरी तरह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात नहीं है, ये हम सिटीजन्स पर भी डिपेंड करता है। वी नीड टू इम्बाइब सिविक लर्निंग ऑन अ मैसिव स्केल। मीन्स हमें क्या होगा, हमें सिविक म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग होती है, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें अब्जॉर्ब करनी होगी, हमें जाननी होगी एक बड़े पैमाने पर। एसेंशली वाई वी एज सिटीजन्स मस्ट रिस्पेक्ट ट्रैफिक रूल्स। बट कॉन्ट्राडिक्टिंग यहाँ पे जो एडिटर बोलना चाह रहे हैं कि वाई वी एज सिटीजन्स मीन्स एज अ सिटीजन्स हमें ही क्यों रूल्स का, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या फिर हमें राइट नहीं देनी चाहिए, या फिर हमें कूड़ा सेग्रीगेट करना चाहिए, मीन्स हमें कूड़ा अलग अलग करके फेंकना चाहिए। नॉट लिटर मीन्स क्यों हमें थूकना नहीं चाहिए रोड पर, मीन्स ओपनली। वोट इन ऑल इलेक्शंस मीन हमें हर इलेक्शंस में क्यों ही वोट करनी चाहिए। सेफ गार्ड आर पब्लिक एसेट्स, स्टैंड इन क्यूज मीन्स हमें अपने पब्लिक एसेट्स को क्यों सेफ रखना चाहिए और लाइनों में लगना चाहिए। ओबे द रूल्स ऑफ लॉ एज अ हैबिट, मीन्स जितने भी रूल्स बनाए गए हैं एज अ सिटीजन्स क्यों हमें ही वो फॉलो करने चाहिए, क्यों हमें सोशल जस्टिस की वैल्यू करनी चाहिए, ह्यूमन रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मीन्स इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन कोलेबरेटिव सिविक प्लेटफॉर्म्स लाइक एरिया सभास। मीन्स इन सभी चीज़ों के बावजूद, इन्हीं सभी चीज़ों के साथ ही साथ हमें सिविक प्लेटफॉर्म यानी कि एरिया सभा जैसे प्लेटफॉर्म पे भी हमें कोलेबरेट कोऑपरेट करना चाहिए, जो कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, हम कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप भी कलेक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन एरिया सभा विद ईच अदर एंड विद गवर्नमेंट्स ऑन सिविक मैटर्स इन आवर नेबरहुड्स। स्टूडेंट एरिया सभा में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने आप को एनरोल कर सकता है, एंगेज कर सकता है। तो हमें खुद से भी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड करना होगा, हमें खुद से भी एफर्ट्स करने होंगे अपने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेटरमेंट के लिए, अपनी लाइफ बेटर होने के लिए सिटीज में। एक्टिव सिटीजनशिप इन अ सिटी इज अ प्रैक्टिस एंड वी नीड प्लेटफॉर्म्स दैट विल अलाउ अस टू रिहर्स एंड परफेक्ट दैट प्रैक्टिस। सो वी लिव इन सिटीज नॉट जस्ट एज जॉब सीकर्स एंड कंज्यूमर्स इन आवर लिटिल बबल्स बट एज नोइंग एक्टिव सिटीजन्स। मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे ये कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ में जो एडिटर हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें एज अ एक्टिव सिटीजन्स मीन्स हमें एक्टिव सिटीजनशिप को फॉलो करना चाहिए, हमें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें रिहर्स करना चाहिए ताकि हम परफेक्ट बन सकें, हमारी प्रैक्टिस परफेक्ट हो और हम सिटीज़ में अच्छे तरीके से रह सकें। सिटी शहरों में सिर्फ हम अपनी जॉब के लिए ना जाएं, सिर्फ हम यहाँ पे कंज्यूमर की तरह ना जाएं, हमें यहाँ पे एज अ एक्टिव सिटीजन्स रहना होगा। वी ओ इट टू द डिपार्टेड टू द वर्क परसिस्टेंटली टूवर्ड्स बेटर सिटीज़। मीन्स हमें ऐसी शपथ लेनी होगी, मीन्स हमें ऐसा मान के चलना होगा कि जो हम अगर सिटी के बेटरमेंट चाहते हैं, मीन्स अगर हम अपना भला चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ऐसी ट्रेजिडीज आगे, मतलब ऐसे हादसे आगे ना हो, तो हमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। एंड एक्टिव सिटीजनशिप इन आवर सिटीज एंड ब्रिंग द कर्टेंस डाउन फॉर एवर ऑन द ट्रेजिडी ऑफ आवर सिटीज। मीन्स इतना सब करने के बावजूद अगर हम एक्टिवली रिएक्ट करेंगे, एक्टिवली हम पार्टिसिपेट करेंगे और हम अपने पूरे एफर्ट्स करेंगे, तो इससे क्या होगा, आगे आने वाले जो समय में हमारे शहरों में जो ट्रेजिडीज होंगी, हमारे उनके लिए कर्टेन डाउन्स हो जाएंगे हमेशा के लिए। मीन्स ऐसे करने से हमें ट्रेजिडीज को होने से रोकना होगा। तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से हम ऐसे दर्दनाक हादसों से बच सकते हैं, तो उसके बारे में एडिटर ने बताया है। सो स्टूडेंट इस आर्टिकल के पर्सपेक्टिव पे नहीं, एज अ बीइंग अ सिटीजन हमें खुद से एक एक्टिव सिटीजन की तरह रहना चाहिए ताकि हमें
आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी की भी गलती से, किसी की भी नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसे हादसे ना हो। बिकॉज अगर ऐसे हादसे होते हैं तो कई लोगों की जाने जाती हैं और काफ़ी सारे लोग, जैसे कि आप जानते ही होंगे, इस इंसिडेंट में घायल भी हुए हैं। तो ऐसी ट्रेजिडीज से बचने के लिए हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, हमें खुद से भी एफर्ट्स देने होंगे। स्टूडेंट, इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, बिकॉज आज का जो आर्टिकल है ये काफ़ी ईजी था, आप इजीली इसको समझ सकेंगे। स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।